सत श्रीकाल जी सारे मैं इस वक्त खड़ा हाँ जीरो ये फैसिलिटेशन सेंटर है जी ये उन्होंने मुलाजमान वास्ते है जिन्हें इलेक्शन ड्यूटी लगी है तो वो वोट नहीं पा सकते किसी कारण पर इलेक्शन कमीशन का एक बहुत वड्डा उपराला आ कि उन्होंने पंजाब भर के फैसिलिटेशन जिहड़े सेंटर बनाए ने फैसिलिटेशन सेंटर का मतलब यही है कि जो मुलाजम पहला वोट नहीं पा सकते इलेक्शन ड्यूटी करके वो इलेक्शन तो पहला अपनी जी वोट है कास्ट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इतों फार्म जोड़े आ बारह के बारह फॉर्म जोड़े आर के मुलाजम एक दिन पहला अच्छ लास्ट डेट हैगी है सतारह इस तो पहला भी जो फार्म जोड़े से वो मिल रहे थे तो अच्छ लास्ट डेट है यह जो फार्म है यह तुम इतों लैके तो अगले दिन थोड़ा जो बैलेट पेपर इशू हो जाएगा इतों तुम बैलेट पेपर लैके अपनी वोट जी कास्ट कर सकते हो तुम अंदर थोड़ा जहा दिखा देने बैलेट बॉक्स जरा बैलेट बॉक्स हैगा सामने वो पिया हो तुसी देख सकते हो तो इत्थे आपां अपनी जिहड़ी वोट आके कास्ट कर सकते हैं तो यह बहुत ही एक वड्डा उपराला कि इलेक्शन तो पहला मुलाजम जिहड़ी अपनी वोट जिहड़ी है कास्ट कर सकते हैं तुसी देख सकते हो कि मुलाजम जिहड़े आ वो अपनी वोट जिहड़ी कास्ट कर रहे ने तो यह बहुत ही वधिया इलेक्शन कमीशन का बहुत ही वड्डा उपराला आ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 012 ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 012 ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਗਾ ਬੂਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਧੰਨਵਾਦ।